चलिए नमस्कार प्रणाम उनके सर लाल यादव सबकी गोड़ चुके गोड़ लगा नहीं। और ये वो सिनेमा जो उनकी हमारा जीवन के बहुत खूबसूरत सिनेमा जो सिनेमा का नाम और वो सब बतावे की खबर वो सब जाना था नहीं संघर्ष ऑल टेलीविजन प्रीमियर पर वो रिलीज होके वाला बा 28 तारीख के 6:30 पर शाम के और 29 तारीख के 12 दिन में फिल्मची सिनेमा फिल्मची टीवी पर वसक पे देखे के मिली जिसके डायरेक्टर पराग पाटिल स्टाइल सिनेमा और काजल रघवानी जी प्रोड्यूसर कर गया और बहुत सारा लोगों में काम के लिए मैंने जितना भी लोग के लिए बा अवधेश भैया बहुत अच्छा काम किए हैं सुबोध जी रितु सिंह जी मैंने हमारे संजय महानंद जी महेश मास्टर जी रीना रानी जी जो मेरे माँ के कैरेक्टर में है तो सब कलाकारों ने बहुत अच्छा काम किया है और मेरे जीवन की एक बहुत खूबसूरत सिनेमा है और पराग पाटिल जी का भी जीवन के सबसे खूबसूरत सिनेमा है। बिल्कुल राइट बिल्कुल ये पराग पाटिल के जीवन का भैया का एक तोहफा था हम लोग का पहला सिनेमा था दोनों भाइयों का और वो मैंने एक अलग इतिहास कायम किया तो उसमें पूरी टीम को शुक्रिया अदा करना चाहूंगा फिल्मची सिनेमा को भी ढेर सारी शुभकामना और आप लोग इतना प्यार दीजिए कि एक अलग इतिहास बने उसका हॉल में और यूट्यूब पे तो उसने अपना कब्जा जमाया ही ऐसा करिए कि टीवी दुनिया में भी उसका एक अलग मुकाम हो ऑल टेलीविजन प्रीमियर में वो रिलीज हो रहा है 28 तारीख को 6:30 यानी शाम को और 29 तारीख को 12 दिन में आप सबको देखने को मिलेगा। ये मार्च की सारी घटना है 6:30 पे 28 तारीख को मार्च में और 29 तारीख को 12 दिन में वो भी मार्च में ही होली से पहले होली का वो हुड़दंग होगा आप सबके लिए। दोस्तों आपको खेसारी लाल यादव जी और पराग पाटिल जी बिल्कुल आपसे वादा करते हैं कि जब जब ये जोड़ी आएगी कुछ धमाका लाएगी संघर्ष के बाद हम लोग एक बार फिर आ रहे हैं एक नया सिनेमा लेकर जिसका नाम है लिट्टी चोखा जो कि मेरे जीवन से जुड़ी हुई है लिट्टी चोखा और लिट्टी चोखा बेच के ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। उसके बाद अभी हम लोग जो सिनेमा कर रहे हैं सिनेमा का नाम है आशिकी और आशिकी का लुक आप लोगों ने देखा ही है एक अलग लेवल पे आशिकी बन रही है। मुझे लगता है कि खर्चीलो फिल्म में देखा जाए तो बहुत बड़ा खर्चा इस सिनेमा में हो रहा है और प्रदीप भैया प्रदीप शर्मा जी बहुत अच्छे इंसान के साथ साथ अच्छे प्रोड्यूसर भी हैं जिन्होंने सिनेमा बनाने में कोई भी कमी नहीं छोड़ी और अभी हम लोग का सिनेमा मुझे लगता है जब 7-8 और चलेगा 9 बिल्कुल तो पहली बार कोई सिनेमा मेरा इतना लंबा शूट हुआ है और इतना दिन तक शूट हुआ है क्योंकि हम लोगों ने 9-10 तो फाइट ही की तो हर चीज इसका एक अलग लेवल पे लेके जाएगा। तो आप लोग संघर्ष को इतना प्यार दिए हैं और बस टेलीविजन पे घर में देखने वाला सिनेमा जो है संघर्ष इतना एक अलग इतिहास बनाइए कि संघर्ष को बड़ा ओपनिंग मिले हॉल में तो मिल ही चुका है एक अच्छी टीआरपी मिले और टीआरपी के साथ बस आशीर्वाद में रखिए अपने बच्चों को और हम सब आपके बच्चे हैं कोशिश करते हैं कि हर वो खुशी आपके साथ रखें हर वो दुख भी हमारा आपके साथ है। लव यू लव यू। यूपी सिटी न्यूज जुड़िए उत्तर प्रदेश से।